Pink just done it. तो मेरे सामने दिव्य सन्नो हॉट सीट पर आ गए हैं जसकरण सिंह जी, ये खारड़ा पंजाब से हैं। जसकरण जी बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत जल्दी आपने उत्तर दिया। यस सर। और सबसे पहले तो ये नाम जो है ना खारड़ा, ये हम पहली दफे सुन रहे हैं सर। ये है कहाँ पंजाब में? सर ये गांव है तरन तारण जिले में, बॉर्डर के पास एक गाँव है सर। बॉर्डर के पास है तरन तारण? यस सर, आधा किलोमीटर ही पाकिस्तान के दूर एक गाँव है। केवल? यस सर बिल्कुल। थैंक यू। एंड वो नियरेस्ट सिटी है, जो टाउन है एक मेजर, वो 40 किलोमीटर है अमृतसर और तरन तारण। तो हम लोग बिल्कुल रिमोट लोकेशन पे रह रहे हैं। एंड मैं वहाँ से, ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि मैं इतने छोटे गांव से आज इस मंच पे आया हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको। आजकल आप क्या कर रहे हैं? सर मैं अभी BSc इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ, थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ मैं। एंड मैं ये डिग्री DAV कॉलेज अमृतसर से कर रहा हूँ अभी। आगे पढ़कर, आगे शिक्षा प्राप्त करके आप क्या करना चाहें? सर अभी मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ मैं। एंड नेक्स्ट ईयर मेरा अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा IAS का, एंड उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ मैं। जी हमारी जो टीम थी KBC की, वो गई थी आपके पास और आपके गाँव में, और उन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया है। हम चाहते हैं कि हमारी जनता और हमारी यहाँ की जो जनता है वो उस वीडियो को देखे प्लीज। मेरा नाम जसकरण सिंह है, मैं पंजाब के तरन तारण जिले के एक छोटे से गांव खालड़ा से बिलोंग करता हूं। एक कोई भी बिल्डिंग बनती है, उस बिल्डिंग को बनाने के लिए एक मजबूत नींव पत्थर चाहिए आपको। तो जितना मजबूत वो नींव पत्थर होगा उतनी ही मजबूत आपकी इमारत बनेगी। तो जो मेरा वो नींव पत्थर है ना, वो मेरी फैमिली है। मेरे घर में मैं, मेरे मम्मी पापा, मेरे दादा दादी, मेरे एक छोटे भाई बहन है। मेरे पापा जो है वो कैटर का काम करते हैं अभी। एंड जो मेरे दादाजी है वो भी छोले भटूरे बेचते हैं। एंड जो मेरी दादी किराने की दुकान चलाने लगी। अगर उनको कोई पूछता है कि आप ये काम क्यों कर रहे हो, तो वो यही बोलते हैं कि जो भी हम लोग ये कर रहे हैं वो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। इस मुंडा नु अहीं ये नहीं कदी आखिया भी तुम्हें दुकान च बहना वा चाहे करना वा, तुम अपनी पढ़ाई ले छार, जिन्ने पैसे लगनगे अहीं लावांगे। अहीं मुश्किल होवे कितना गरीबी कट के अहीं तुहानूं पढ़ावांगे। इन्हां नूं पढ़ाउणा वा जिथों तक साडा जोर लगे। खालड़ा एक बहुत छोटा सा गाँव है जो कि तरन तारण जिले में है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो जहाँ पे मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह या एजुकेशन के लिए अच्छा कॉलेज, कॉलेज जाने के लिए मुझे यहाँ से मतलब चार घंटे लगते हैं। मैं कुछ चुनिंदा लोगों में से हूँ जो अभी तक इस गांव से कॉलेज में गया हूँ। जो बेटा साडा पढ़ता है सानू बहुत खुशी महसूस होती है, सानू गर्व महसूस होता है। तो बचपन से ये की यही है कि अगर मतलब कहीं पर अच्छी जॉब लगती है या अच्छी सिलेक्शन होती है तो अपनी फैमिली के साथ मैं यहाँ से शिफ्ट होना चाहूँगा एक गाँव से, क्योंकि एक उनको अच्छा फ्यूचर दे सकूँ, ताकि एक जहाँ पर सब कुछ हो, डिवेलपमेंट हो या एक सब बेसिक फैसिलिटीज़ हो जो गाँव में नहीं है। जसकरण जी आपकी जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये कि किसी इमारत को बनाने के लिए जो ईंट होता है, जो शुरुआत में डाला जाता है, जो बेस होता है, वो उस इमारत को ताकत देती है, और आपकी ताकत आपके वो ईंट, आपका परिवार है। बहुत बहुत बधाई आपको। सर एक्चुअली बचपन से ही मतलब मेरी 21 साल की उम्र हो गई अभी, एंड ऐसा नहीं है कि मैंने बोला हो कि मुझको ये काम करने दो या ये मत रोको। ये नेचुरली है कि मतलब हम दोनों भाई हैं और एक हमारी बहन है, तीनों में से किसी को भी आज तक उन्होंने ये नहीं बोला कि अगर ये तुम कर रहे हो क्यों कर रहे हो। उन्होंने बोला है तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम जियो, हमें तुम पे भरोसा है कि तुम कभी गलत काम नहीं करोगे। एंड उनका ये भरोसा ही मुझे एक रिस्पॉन्सिबल बनाता है। प्रतिदिन आपने कहा कि आप
40 किलोमीटर आपको जाना पड़ता है? 50 किलोमीटर। थक जाता होगा इंसान? नहीं सर, जब थकते आप तब है जब थोड़े मतलब शुरू के कुछ दिन लगते हैं आपको कि हाँ एडजस्ट होने में लगते हैं, लेकिन तब तो वो आदत बन जाती है। यस, कि आपको खुद ब खुद मतलब नींद खुल जाती है आपकी, एंड आपको लगता है हाँ अब बस में बैठ के जाना है एंड वहाँ जाके लाइब्रेरी में पढ़ना है, उसके बाद फिर पढ़ना रात को, एंड केबीसी के लिए भी मतलब ऐसे प्रिपरेशन करता रहता हूँ मैं। यस, एंड कोई भी अगर कहीं से भी मैं पढ़ता हूँ, जैसे कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, कोई बुक पढ़ रहा हूँ, दिमाग में रहता है कि यस ये एक लाइन है, इसके दो हिस्से कर लेता हूँ। ये वो पार्ट है जो मेरे को केबीसी में पूछ सकते हैं कि यस ये इंसान का वो नाम है। एंड 10 बजे सोया, 2 बजे उठा रात को फिर, एंड 2 बजे से लगातार पढ़ रहा हूँ कि कहीं वो चीज़ छूट ना जाए, लेकिन सब कुछ याद नहीं रह सकता। एंड तो लेकिन अभी भी है कि कोई बात नहीं, जो होगा सब अच्छा ही होगा। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप पुष्करण जी, बहुत कम शख्स ऐसे होते हैं जो इतनी लगन के साथ काम करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं हम। और आज आपकी ये लगन जो है आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाए। यस सर, आपने चाहा था कि आप अपना गांव वहां से अलग छोड़ना चाहते हैं ताकि एक अच्छा सा मकान, एक अच्छा रहने का वहां पर वातावरण बना सके अपने परिवार के। ये मेरी फैमिली की वजह से ही है, उनकी मेहनत ही है कि आज मैं इस काबिल बन पाया हूं कि मैं आपके सामने बैठ सकूं सर। अदरवाइज मेरे सामने बैठना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आप अपनी काबिलियत से हॉट सीट पर आए हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखना ही कभी सोचा नहीं था कि आपको देखने भी मिलेगा जिंदगी में, आपके सामने बैठा हूं मैं, ये इससे बड़ी अचीवमेंट शायद मेरे लिए शायद ही होगी। ओके, तो संगीत वगैरह सुनते होंगे जब आप जा रहे होंगे बस में? यस सर। सर एक्चुअली म्यूजिक का एक बहुत बड़ा रोल है कि जो मेरा जो ऐसा सोचता हूँ मैं कि इमेजिनेशन करना बहुत अच्छा लगता है मुझे, कि जैसे पढ़ पढ़ के सर दर्द होने लग गया तो हेडफोन्स लगाता हूँ मैं, कुछ गाने ऐसे होते हैं कि जिनको मैं लगाता हूँ जब थक जाता हूँ, तो फिर ऐसे आराम से सोचता हूँ कि हाँ मैं ये बन गया हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, लोग खड़े हो रहे हैं, तालियाँ मार रहे हैं, तो वो एक मेंटली बूस्ट करता है मुझे कि यार मतलब अगर वहाँ इतना बड़ा सपना मैंने सोचा है तो थकने से काम नहीं चलेगा, फिर तो करते रहना पड़ेगा। तो वो सबकॉन्शियस जो मेरा माइंड है वो ऑब्वियसली मेरे को बूस्ट करता ही है। हाँ, और आपने करके दिखा दिया। हाँ, वो भी है। जब आप सुने गए वहाँ से फास्टेस्ट सिंगर फर्स्ट जीतने के बाद, तो यहाँ पर जनता ने ताली बजाई आपके लिए और सबने स्वागत किया और अभी भी बजाते जा रहे हैं। यस सर।